दम तोड़ती बहुरूपिया कला, लेकिन मंडार में आज भी बहुरूपिया कला प्रचलन में। भारत में बहुरूपिया धारण करने की कला बहुत पुरानी है। राजा महाराजाओं के समय बहुरूपिया कलाकारों को हुकूमतों का सहारा मिलता था, लेकिन अब कलाकार और कला दोनों ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन कलाकारों ने बताया कि समाज में रूप बदल कर जीने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन लिहाजा बहुरूपिये की कद्र कम हो गई है। इन कलाकारों में हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं, मगर वे कला को मजहब की बुनियाद पर विभाजित नहीं करते। मुसलमान कलाकार हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं का रूप धारण करने में गुरेज नहीं करता, तो हिंदू भी पीर फकीर या बादशाह बनने में संकोच नहीं करते। इसी तरह मंडार में भी कई वर्षों से इन दो कलाकारों ने बहुरूपिया कला को जीवंत रूप दे रखा है, जो समय समय पर मंडार कस्बे में आकर अलग अलग वेशभूषा व रूप धारण कर लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इन बहुरूपिया कलाकारों को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ी व 2 साल बाद एक बार फिर से लोगों का मनोरंजन कर इनका गुजर बसर हो रहा है।